जैसे जैसे वोटिंग का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे विभा सिंह का काफिला विरता जा रहा है और जगह जगह जनता द्वारा विभा सिंह का जोरदार स्वागत किया जा रहा है। लोग सैकड़ों की संख्या में एकत्रित होकर विभा सिंह का हौसला बढ़ाने के लिए खुलकर साथ चले हैं। धाउगी वार्ड से जिला परिषद प्रत्याशी विभा सिंह ने चिनौन व देवठा पंचायत में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने सपनों में भी नहीं सोचा था कि मुझे आप जैसी भोली भाली जनता की सेवा करने का मौका मिलेगा। यह सब आपके प्यार और देवी देवताओं के आशीर्वाद से संभव हो पाया है और आपका प्यार मुझे यहाँ खींच लाया है। उन्होंने कहा कि अगर देवी देवताओं का आशीर्वाद और आपके मार्गदर्शन से सब कुछ ठीक ठाक हुआ तो मैं कभी भी आप लोगों का विश्वास टूटने नहीं दूंगी। के चरणों में प्रणाम। और मैं उनसे यही प्रार्थना करती हूँ कि आप सब हम सब मिलकर जिस लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर हो रहे हैं, भगवान हम आपका आशीर्वाद भी साथ में लेकर जाएं और उसमें सफल। यहाँ पर उपस्थित आदर योग्य बुजुर्गों, माताओं, भाइयों, बहनों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं आज आप सबके बीच में जिला परिषद प्रत्याशी के रूप में उपस्थित हूं। जैसा कि आप जानते हैं, कुछ समय पहले ये वार्ड एक ओपन वार्ड के रूप में कहा जा रहा था। इसी कड़ी में आप सब ने मेरे पति श्री हितेश्वर सिंह जी के 10 सालों में रैला वार्ड या ज्येष्ठा वार्ड कहें, वहां किए गए कार्यों और उनके कार्य करने की शैली को पसंद करते हुए उन्हें यहाँ अपने क्षेत्र में अपनी सेवा के लिए आमंत्रित किया। उसके लिए मैं और मेरा परिवार आप सभी के आभारी हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कुल्लू से दिनेश गौतम की रिपोर्ट।